कॉल्स इन एरियर्स हम कर चुके हैं, पॉइंट मुझे डिस्कस करना था कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अब लोग डिलेड पेमेंट्स कर रहे हैं, द कंपनी हैज अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट, द कंपनी हैज अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई करते थे कि इंटरेस्ट रेट हम इतना लेंगे अगर आपने डिले करा तो। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम टेबल एफ अडॉप्ट करते हैं, और टेबल एफ क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स इज 10% पर एनम, हाउएवर द कंपनी हैज द राइट टू वेव द इंटरेस्ट। अरे वो तो कंपनी की मर्जी है ना, बट मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है आर्टिकल्स में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज 10%। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कि अगर लोग हमें एडवांस में पैसे दे देंगे तो हम भी उनको इंटरेस्ट देंगे, वो टेबल एफ क्या कहता है। ध्यान से देखना, सॉरी एरियर्स दो बार आ गया, एक एडवांस है एक एरियर्स है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 10% इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12%। कॉल्स इन एरियर्स 10%, किसने बोला, टेबल एफ। टेबल एफ कब अडॉप्ट होती है, अगर हमने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। याद करने का तरीका, कंपनी ने जब चार्ज करना है इंटरेस्ट शेयर होल्डर से तो वो कम करती है, जब वो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो वो ज्यादा देती है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है ना किसका 10 था किसका 12 था। तो सबसे सिंपल है याद करने का तरीका, जब कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दे रही है तो ज्यादा दे रही है 12%, जब कंपनी चार्ज कर रही है शेयर होल्डर से तो उससे कम कर रही है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 10%, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, बट रेट बता होना चाहिए यार। थियोरेटिकली क्वेश्चन बना दिया तो इतनी सी तो बात है, 2 मिनट की बात है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 10%, किसने बोला, टेबल एफ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%, किसने बोला, टेबल एफ। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। टेबल एफ कब अडॉप्ट होती है, अगर मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सिंपल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन द सिलेबस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रूल्स पता होना चाहिए।